भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आदित्याय नमः। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार शर्मा आज आपके समक्ष योग आसन मुद्रा मंत्र ये सब लेकर हाजिर हुआ। जब भी आप योग या आसन या मुद्रा करते हैं तो गायत्री मंत्र का उच्चारण जो है वो सबसे पवित्र माना जाता है। गायत्री मंत्र पढ़ने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है और आपका मन शुद्ध हो जाता है। अब हम बात करते हैं भारतीय संस्कार की। जब हम भारतीय संस्कारों की बात करते हैं, इंडियन कल्चर की, तो इसमें मुद्रा और मंत्रा सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब मुद्रा कभी कभी हम अनजाने में भी कर देते हैं, जैसे कि बहुत से लोगों को शायद ये मालूम नहीं है कि नमस्कार एक मुद्रा है। जब आप किसी को नमस्कार कहते हैं तो सबसे पहले नमस्कार करने का तरीका देखिए कि आप अपने राइट एंड लेफ्ट दोनों हाथों को अपने हृदय के बीच वाली लाइन के साथ, अपने फेफड़ों के बीच जो लाइन है उसमें जोड़कर ऐसे नमस्कार करें और अपना सिर झुकाएं। नमस्कार मुद्रा जो है भारतीय संस्कार और भारतीय संस्कृति का सबसे पहली मुद्रा मानी गई है। नमस्कार करने से ये हृदय चक्र, आपका जो हृदय चक्र है वो खुल जाता है और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि आपका लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन जो है वो कनेक्टेड हो जाता है, और दूसरा मैस्कुलन एंड फेमिनाइन ये दोनों जो है वो जुड़ जाते हैं। इन दोनों के जुड़ने से, यानी ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव के जुड़ने से एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है, और आप जब किसी को नमस्कार करते हैं तो मुंह के ऊपर हंसी और मुंह के ऊपर मंद मंद मुस्कान जरूर लाएं। अभी नमस्कार के फायदे देखिए आप कितने हैं। नंबर वन, तो आप नमस्कार करने से सामने वाले व्यक्ति को प्रसन्न कर रहे हो। नंबर टू, आप नमस्कार करते हुए अपनी भारतीय संस्कृति और संस्कार के की पद्धति का निर्वाह कर रहे हो। नंबर तीन, इससे आपकी ईगो खत्म हो जाती है। और नमस्कार मुद्रा जरूरी नहीं है कि सामने आए व्यक्ति के सामने ही करी जाए, आप नमस्कार उठते समय पृथ्वी को कर सकते हो, आकाश को कर सकते हो। इस मुद्रा को कम से कम 5 से 7 मिनट आप रोज करें। ये मुद्रा करने से आपके मन में अहंकार, यानी इंग्लिश में जिसको बोलते हैं ईगो, खत्म हो जाती है और आपका मन सुखी और संतुष्ट रहता है। उसके बाद आप चिन्ह मुद्रा में बैठ जाएं और लंबे 3 बार 3 सांस लें। श्वास के ऊपर नियंत्रण रखें, प्राण के ऊपर नियंत्रण रखें, क्योंकि प्राण ही परमात्मा है और श्वास ही जीवन है। जब हम 3 बार अपने श्वास को भीतर खींचते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा खींच रहे हैं, ऐसा एहसास करें। और जब हम एक्सेल करते हैं, श्वास को बाहर फेंकते हैं, तो ये सोचें कि आपके भीतर की ईगो, आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा जो है वो बाहर चली गई है। अब
कोविड-19 ने बहुत सी, आपने देखा पूरा विश्व जो है वो लॉकडाउन है, आप अपने घरों में बैठे हैं, घरों में से काम कर रहे हैं, और घर में बैठे बैठे व्यक्ति जो है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं डिप्रेसिव हो जाता है, और इस डिप्रेशन की वजह से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मुष्टि मुद्रा करनी है। मुष्टि मुद्रा करने से निराशा, डिप्रेशन और किसी भी तरह की नकारात्मकता दूर हो जाती है, और ये मुद्रा आपके ब्रेन के लिए भी और आपके हार्ट के लिए भी और आपके पेट के लिए भी अति उत्तम मानी गई है। मुष्टि होती है ये, जब आप किसी को मुक्का मारते हैं, मुक्का को हिंदी में मुष्टि बोलते हैं, मगर मुद्रा जो है, इस मुद्रा को करते समय आपने अपना जो अंगूठा है, ये अंगूठा आपने जो है वो अंगूठा क्या है, अग्नि है, और ये क्या है, जल है, ये दोनों को मिक्स कर, दोनों को इकट्ठे रखना है ये मुद्रा में, और मुट्ठी इस तरह बंद करनी है, और ये अंगूठे को जल यानी आपकी सबसे छोटी उंगली को दबाना है और मुट्ठी को ऐसा जोर से बंद रखना है। ये आप दोनों हाथों से करेंगे तो आपको डेफिनेटली इसके सकारात्मक प्रभाव मिलेंगे। आप विश्वास करें, ये मुद्रा अगर आप 15 से 20 मिनट रोज सुबह करते हो या कभी भी दिन में 3 बार कर लेते हो, बैठे बैठे भी, आप चलते हुए भी, भ्रमण करते हुए भी ये मुद्रा कर सकते हो। ये अगर आप मुद्रा करते हो तो आपकी, आपका जो मानसिक परेशानियां हैं, नकारात्मकता है, या आप बैठे बैठे ऊब गए हो यानी आप अपने आप से उकता गए हो, तो डेफिनेटली ये मुद्रा आपको फ्रेश कर देगी। और ये मुद्रा के एक और फायदा है कि अगर आपको शिवरिंग हो रही है तो उस शिवरिंग से बचने के लिए भी ये मुद्रा का उपयोग करना चाहिए। बंद आपने मुट्ठी जोर से दोनों मुट्ठियां बंद रखनी है और अपने अंगूठे को, छोटी उंगली को दबाना है। ये करते समय एक बात ध्यान रखें कि आप अपनी आंखें बंद रखें। अगर आप चल फिर रहे हैं तो ठीक है, मगर अगर आप अकेले बैठे हैं तो आंखें बंद रख सकते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा लाभ ये भी है कि डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर ब्रेन, ये आपके दिमाग के साथ संबंध रखती है। ये मुद्रा करते समय भी आपका लेफ्ट और राइट, ये जो हेमिस्फायर है, ये इकट्ठा हो जाता है और इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। ये मुद्रा, जब आप इस मुद्रा का अंत करते हैं यानी इस मुद्रा को आप खत्म करते हैं, तो फिर आप चिन्ह मुद्रा में बैठ जाइए। इट शुड बी फॉलोड बाय चिन्ह मुद्रा, प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा ये है, प्राण मुद्रा, ये मुष्टि मुद्रा के बाद ये प्राण मुद्रा और चिन्ह मुद्रा को जरूर करें। और ये मुद्राओं की अवधि भी कम से कम 2 से 2.5 मिनट आप करेंगे तो डेफिनेटली आपकी मानसिक स्थिति जो है वो डेफिनेटली बहुत ही सकारात्मक होगी और आप सारा दिन पॉजिटिव फील करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि श्वास के ऊपर हर बार नियंत्रण रखना है, श्वास साधारण रीति से चलते रहना चाहिए। ये सब होने के बाद अंत में, जैसे मैंने बोला, शुरू किया गायत्री मंत्र से, मंत्र, मुद्रा, प्राणायाम एंड योगा, ये अगर हम मिश्रित एक घंटे का सुबह सुबह अभ्यास करते हैं तो आपके जीवन में रोग भाग जाएंगे, नकारात्मकता भाग जाएगी और आप स्वस्थ फील करेंगे, आरोग्य आपके जीवन में आएगा। और आपके मन में अगर किसी भी तरह का गुस्सा है, ईगो है, तो वो डेफिनेटली उसमें कमी आएगी। इन मुद्राओं को, इन मंत्रों को और आसनों को और प्राणायाम को
लगातार करते रहिए और मेरे साथ जुड़े जुड़े रहिए। अंत में आप श्वास के ऊपर नियंत्रण रखें और कहिए ओम शांति शांति शांति।